जिसको कुछ नहीं चाहिए प्रकृति उसको सब कुछ दे देती है। यदि हमारे काम के साथ में भाव जुड़ जाए तो काम में उत्कृष्टता आ जाती है। इस मन के जो मेरा पुत्र मन है, जिसका जन्म मैंने स्वयं ने दिया है, जिसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। परमात्मा जिम्मेदार इस शरीर के स्ट्रक्चर के लिए है, परमात्मा जिम्मेदार प्रकृति की जितनी भी वस्तु जो दिखाई दे रही है उनके लिए है, मगर मेरे मन का जन्मदाता मैं स्वयं हूं। क्योंकि भक्ति सहज नहीं है, जब तक परमात्मा की कृपा हो भक्ति होती नहीं है, आती नहीं है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और परमात्मा संकट साक्षात कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। तो जब भक्ति के भाव से जब अंदर से आंसू निकले, आंखों से आंसू निकले, हे परमात्मा उन आंसुओं को मैं दूध रूप में आप में चढ़ाना चाहता हूं, अर्पित करना चाहता हूं। आपकी प्रकृति में तो दो भक्त हुए, आपके तो भक्तों में भी विषमता रही है, राम भी आपका भक्त, रावण भी आपका भक्त। उस भक्ति की याचना करता हूं, हे परमात्मा मैं अपने मन को आपको अर्पित करते हुए मैं आपसे भक्ति की याचना करता हूं, मुझे भक्ति दीजिए। तामस तन कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। आज बहुत ही अच्छा पर्व शिव चौदस है। आज के दिन मैं भगवान शिव के भक्तों के लिए कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। शिव चौदस, भगवान शिव जो बैरागी हैं, मैं गलतेश्वर अक्सर जाता हूँ, वहां देखता हूँ भगवान शिव का जो बैरागी है पूरी तरह से। बैरागी का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वहां बैठे हुए हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए प्रकृति उसको सब कुछ दे देती है। इसलिए उनके बगल में पार्वती जी बैठी हुई हैं। पार्वती ज्ञान का अवतार है, ज्ञान धन का ज्ञान, हर प्रकार का ज्ञान पार्वती के रूप में है। तो उसके पास भक्ति भी आश्रय के लिए आ जाती है, उनके सिर पर गंगा रूपी भक्ति विराजमान है। ऐसे शंकर जो बैरागी हैं उनके सिर पर भक्ति विराजमान है, और एक साइड में उनके में माँ पार्वती जी विराजमान है, जो संपूर्ण शक्तियों का आधार है। ऐसे बैरागी के पास आज उनका विवाह उत्सव है। आज के दिन शिव चौदस के दिन विवाह गौरी, गौरी भाव का प्रतीक है, शंकर कर्म का प्रतीक है। कर्म और भाव जब मिल जाए तो फल में उत्कृष्टता आ जाती है, एक्सीलेंसी आ जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ, लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव। लव मींस भाव, लव मींस फीलिंग्स। यदि हमारे काम के साथ में भाव जुड़ जाए तो काम में उत्कृष्टता आ जाती है। तो माँ पार्वती की कृपा से भाव आता है, पिता शंकर की कृपा से उस भाव युक्त कार्य होता है, तो कार्य में एक्सीलेंसी आ जाती है। अब प्रश्न है कि भगवान शंकर की आराधना कैसे करें। मैं अक्सर देखता हूँ, आप बैठ जाइए दृष्टा भाव से, बैठ जाइए कहाँ, भगवान शंकर के सामने बैठ जाइए दृष्टा भाव से। देखिए आज के दिन लोग उन पर पानी चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दूध रूपी अमृत चढ़ा रहे हैं, और जो विष होता है, धतूरे के पत्ते, धतूरे के जो बीज होते हैं वो विष का प्रतीक है, वो चढ़ा रहे हैं। और एक धतूरे का और आपके पत्ता का बीज है वो चढ़ा रहे हैं, विष भी चढ़ाया जा रहा है और अमृत रूपी दूध भी चढ़ाया, वो सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब स्वीकार है उनके लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्व में आनंद में रहता हो, द्वंद्व का मतलब भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, हे अर्जुन समासो में द्वंद्व समास हो। द्वंद्व का मतलब है सुखे दुखे समे कृत्वा लावा लाव जया जयो, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन तेन चित। ये द्वंद्व है, वो द्वंद्व में बड़े आराम से जी रहे हैं, आनंद में रहे द्वंद्व में। आप देखिए उनके जीवन पर प्रकाश डालिए, उनके जीवन में उनके परिवार के पास कितने द्वंद्व है। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से आग बरस रही है, साक्षात आग निकल रही है, और उन्हीं के सिर पर चंद्रमा विराजमान, जो शीतलता का प्रतीक है, विषमता में विषमता खत्म की जा रही है। उनके पुत्र के पास वाहन के रूप में मोर है, तो उनके श्रृंगार को सुशोभित करने वाले नाग हैं। मोर और नागों में जन्मजात बैर है, विषमता है। और उनके छोटे लड़के गणेश जी के पास चूहा बाण है, चूहा में और सर्प में बैर है। इन विषमताओं के बावजूद भी माँ का वाहन शेर है, तो उनका वाहन नादिया है, सांड है। इन विषमताओं के बावजूद भी उस परिवार में समता है, शांति है, शांति है, भक्ति है, त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा की भक्ति आज के दिन कैसे करें। भक्ति में देखिए दृष्टा भाव से कोई जो चढ़ा रहे हैं, और देखिए जो चढ़ाया जा रहा है वो मेरा स्वयं का है या किसी और का।
जो हम फूल पत्थर बेल पत्थर वहां चढ़ा रहे हैं भगवान के लिए, वो है परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। परमात्मा के द्वारा निर्मित चीज को उनको क्या देना, उन्हीं की चीजें हैं सब। यहाँ तक कि मेरा शरीर पंच तत्व का बना हुआ, क्षिति जन पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा, ये मेरा जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है वो भी प्रकृति के द्वारा परमात्मा के द्वारा कृति है। तो मैं इसको भी यदि समर्पित कर देता हूँ तो मैंने क्या किया, परमात्मा की थी। तो वस्तु गोविंद तुम भी मैं समर्पते, ये भी समर्पण नहीं रहा। मैं दूध भी लाता हूँ खरीद के, वो भी प्रकृति का है। बेल पत्र दूध फल फूल जो भी कुछ ला रहा हूँ वो प्रकृति का है। तो आखिर मैं क्या चढ़ाऊ परमात्मा के, यहाँ मेरी कृति स्वयं की है। मेरी कृति क्या है, मेरी कृति जिसको मैंने स्वयं निर्माण किया है, वो मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका निर्माण मैंने स्वयं ने किया है, वो क्या है, वो है मेरा मन। मन का निर्माता मैं स्वयं हूँ, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है। मन ही सुख दुख का कारण है, मन ही मुख्य का और बंधन का कारण है। मन, इस मन का निर्माण मैंने स्वयं ने किया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन के जो मेरा पुत्र मन है, जिसका जन्म मैंने स्वयं ने दिया है, इसके लिए परमात्मा जिम्मेदार नहीं है। परमात्मा जिम्मेदार इस शरीर के स्ट्रक्चर के लिए है, परमात्मा जिम्मेदार प्रकृति की जितनी भी वस्तु जो दिखाई दे रही है उनके लिए है, मगर मेरे मन का जन्मदाता मैं स्वयं हूँ। अब मन के विषय कौन कौन से हैं? मन के विषय हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, आलस, प्रमाद, मद। ये मन के विषय हैं, ये मन के बेटे हैं, ये मेरे पौत्र हैं। मेरा पुत्र मन और मेरे पौत्र मान, बड़ाई, ईर्ष्या आदि मेरे पौत्र हैं। अब मैं अपने पुत्र और पौत्रों सहित भगवान को समर्पित कर दूं। हे परमात्मा, मेरे पास अपना मेरा मन है और मन के विषय है, मैं इनको समर्पित करता हूं। और समर्पण के भाव में जब मेरे आंसू आ जाएं, भगवान की कृपा से ही आते हैं आंसू, क्योंकि भक्ति सहज नहीं है। जब तक परमात्मा की कृपा हो भक्ति होती नहीं है, आती नहीं है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और परमात्मा शंकर साक्षात कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। तो जब भक्ति के भाव से जब अंदर से आंसू निकले, आंखों से आंसू निकले, हे परमात्मा उन आंसुओं को मैं दूध रूप में आप में चढ़ाना चाहता हूँ, अर्पित करना चाहता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, हे परमात्मा, हे शंकर भगवान, मन में कह रहा हूँ, दूर बैठा हुआ ध्यान लगा रहा हूँ और परमात्मा से वार्ता कर रहा हूँ। हे परमात्मा, हे शंकर भगवान, हे भोले भगवान, मेरा पुत्र का जब तक मेरे जन्म हुआ है, मेरा पुत्र है मन। मन के 10 जो विषय हैं, वो मन 10 विषयों वाला मन मेरा दशानन है, ये रावण है साक्षात। आपकी प्रकृति में तो दो भक्त हुए, आपके तो भक्तों में भी विषमता रही है। राम भी आपका भक्त, रावण भी आपका भक्त, मगर मेरे साथ जो मन है वो मेरा दशानन है, क्योंकि इसके 10 विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, आलस, प्रमाद, इनसे युक्त मेरा मन जो पुत्र है, इस पुत्र की वजह से मैं पुलस्त हो गया हूँ। पुलस्त का मतलब मेरे और आपके बीच में जो भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का पुल बना हुआ था कभी, मगर जैसे ही मेरे पुत्र का जन्म हुआ, मन का जन्म हुआ, उनके विषय आए, मेरा जो पुल जो आपके साथ बना हुआ था, जुड़ाव जो था, अटैचमेंट जो आपके साथ बना हुआ था, वो अस्त हो गया, समाप्त हो गया, तो मैं पुलस्त हो गया। रावण का जन्म तो पुरुष के परिवार में ही हुआ था, तो रावण का जन्म पुरुष के परिवार में हुआ था, तो मैं पुलस्त हो गया हूँ। हे परमात्मा, मेरे इस रावण को बद एक ही प्रकार से हो सकता है, आपकी कृपा से इसके मोह जो रावण की टूड़ी में अमृत था, सुनते हैं परमात्मा राम ने जब टूड़ी में बाण चलाया तो अमृत सूखा, तो रावण का वध हुआ। मेरे मोह का, ये मेरा मोह मेरा अमृत है, इस मोह की वजह से ही मेरा मन के साथ लगाव है, इस अटैचमेंट की वजह से मेरा मन के साथ लगाव है। मोह को जब आप अपने तृतीय नेत्र को खोल के मेरे मोह को भस्म कर देंगे, जला देंगे, तो ये मेरा पुत्र जो रावण रूपी जो मन है अपने विषयों के साथ मर जाएगा, ये मर जाएगा तो मैं भक्ति में लिप्त हो जाऊंगा, प्रेम के आंसू निकलेंगे। हे परमात्मा, हे शंकर भगवान, मैं उन आंसुओं को आपको अर्पित करना चाहता हूँ, वही मेरे जीवन का आधार हो। मैंने देखा है कि आपकी इनकी भक्ति करते समय हमें समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन का मतलब है सम हो जाएं इंद्रियां, जैसे शंकर भगवान का परिवार है उसमें विषमता में समता है, समता। उसी प्रकार जब इंद्रियां सम हो जाती है, किसी विषयों की तरफ भागते नहीं, समता स्थापित हो जाती है, और मन मंथन का मतलब मन थम जाता है, मन कंट्रोल हो जाता है, तो परमात्मा सहज भक्ति दे देते हैं। उस भक्ति की याचना करता हूँ, हे परमात्मा, मैं अपने मन को आपको अर्पित करते हुए मैं आपसे भक्ति की याचना करता हूँ, मुझे भक्ति दीजिए। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जब आ गया तो जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं है, सब कुछ आनंद ही आनंद है। इस आनंद की वजह से मैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आपकी याचना करता हूँ, मेरी याचना स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की मुझ पर वर्षा करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। मैं
इस अवसर पर परमात्मा शंकर को बेलपत्र चढ़ाई जाती है। एक एक बेलपत्र में तीन पत्तियां होती हैं, एक बेलपत्र के साथ तीन पत्तियां अटैच होती हैं। तो हे भगवान शंकर, मैं भी अपने बेलपत्र चढ़ा, मानसिक बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ। मेरी एक बेलपत्र जिसमें काम क्रोध लोभ, दूसरी बेलपत्र जिसमें पत्तियां हैं मोह मान बड़ाई, तीसरी ईर्ष्या आलस प्रमाद, इस प्रकार में तीनों बेलपत्रों को आपको अर्पित करता हूँ। ये मेरे पास ये मेरी निर्मित बेलपत्र है जो मानसिक बनी हुई है, क्योंकि मेरा मन ही बना रहा है इनको, मेरे स्वयं की है परमात्मा, इसमें आपका कोई सहयोग नहीं है। इसलिए मन सहित अपने बेलपत्रों को आपको अर्पित करता हूँ, मुझमें भक्ति भाव भर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में जो पुल बना हुआ था वो अस्त हो गया। जैसे ही मैंने दशानन का जन्म दिया, मेरे मन दशानन है, वो पुल अस्त हो गया। तामस तन, उसका प्रभाव क्या हुआ? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। जब विभीषण जी रामचंद्र जी की शरण में आए तो उन्होंने कहा, नाथ दशानन कज में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। हे परमात्मा, जब से मेरा पुत्र मन का जन्म हुआ है, दशानन मन का, और मेरा तामसी हो गया है मन, मेरा विषयों में मन लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता। इसलिए हे परमात्मा, मेरे मन रूपी रावण को मारकर मुझे मुझ पर कृपा कीजिए। आपको नमस्कार।